तो गाइज आज की सुलह के अंदर हम बात करने वाले आज दिन की बड़ी खबरों की। तो गाइज सबसे पहली खबर जुड़ी है स्मैकडाउन से। तो गाइज कल हमने जो स्मैकडाउन देखी थी उसकी ओवरनाइट व्यूअरशिप 5 के और जो व्यूअरशिप है वो काफ़ी कम आई है, वो आई है 2.142 मिलियन। तो गाइज पिछले हफ्ते से भी ज़्यादा कम है, 3% तक जो है WWE को घटा आ चुका है। अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की। नेक्स्ट न्यूज जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है ज़ेलिना वेगा से। तो गाइज ज़ेलिना वेगा को जो है विंस मैकमैन ने फायर कर दिया। तो गाइज कुछ रीज़न की वजह से विंस मैकमैन ने उनको WWE से निकाल दिया है। अब हम बात करते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज़ की। तो गाइज नेक्स्ट न्यूज़ जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है सेथ रॉलंस से। तो गाइज हमारे स्मैकडाउन मसाया जो है वो अभी ब्रेक लेना चाह रहे हैं WWE से, और जो जो है 4-5 हफ्ते WWE से ब्रेक लेंगे। सर्वाइवर सीरीज के बाद वो ब्रेक लेंगे और रॉयल रंबल से पहले वो अपना रिटर्न करेंगे। तो गाइज ये थी सेथ रॉलंस के ऊपर खबर। तो गाइज अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट न्यूज़ की। तो गाइज नेक्स्ट न्यूज़ जुड़ी हुई है फिन बैलर और अंडरटेकर से। तो गाइज WWE इनबॉक्स ने ट्वीट किया था कौन चैलेंज करेगा फिन बैलर को, तो भी उन्होंने यहाँ पर रिप्लाई किया और इन्होंने ये कुछ है जो फोटो डाल दी और उन्होंने कहा है फैंटेसी मैचेस का एक पोस्टर डाल दिया। तो गाइस फिन बैलर वर्सेस अंडरटेकर अभी मैच होते ही नहीं, ये तो देखना पड़ेगा, मेरे ख्याल से नहीं हो पाएगा इतनी जल्दी। अब हम बात करते हैं मेरी नेक्स्ट न्यूज़ की। तो गाइस नेक्स्ट जुड़ी है वो जुड़ी हुई है रोमन रेंस से। तो गाइस रोमन रेंस आने वाले हैं हमारे मंडे नाइट रॉ के ऊपर। तो गाइस रोमन रेंस आ सकते हैं मंडे नाइट रॉ के ऊपर क्योंकि वह स्मैकडाउन जो खत्म हुई उसके बाद ड्रू मैकइंटायर ने ट्वीट किया फॉरगॉटिंग अ लेगेसी फॉर माई सेल्फ नो फैमिली टू ओपन डोर्स फॉर मी फर्स्ट आई बीट रैंडी ऑर्टन रिक्लेम माय WWE चैंपियन आई एम कमिंग फॉर यू #WWE रॉ #SurvivorCD। तो उन्होंने कहा कि तुम मेरे फैमिली की लेगेसी की वजह से तुमको WWE के अंदर आना पड़ा और आए तुम, और उसके बाद और मैं अब जो है WWE चैंपियनशिप को रिक्लेम करूंगा और तुमको जाकर सर्वाइवर सीरीज के अंदर देख लूंगा। उसके बाद फिर से रोमन रेंस ने भी कहा, उनको ही ट्वीट को रिप्लाई करते हुए कहा द होल फैमिली ओपनिंग द डोर्स थिंग इज सो प्लेड आउट ऑफ जस्ट और अनक्रॉलिंग इश्यूज फ्रीली लेसन फॉर यू ड्रू, इट इज़ नॉट अबाउट गेटिंग इन द डोर, इट इज़ ओपनिंग द रूम विच यू विल नेवर डू व्हेन आई एम ग्राउंड, गुड लक ऑन मंडे एट #RAW #SurvivalSeries। तो गाइस रोमन रेंस ने उनको ये कहा कि लेगेसी की वजह से कोई भी आ सकता है पर जो रूम होता है WWE का वो कोई भी कैप्चर नहीं कर सकता, सिर्फ वो मैंने कैप्चर किया है और तुमको अगले मंडे नाइट रॉ के लिए शुभकामनाएं। गाइस उन्होंने कहा कि हमें चेतावनी दी थी कि रोमन रेंस आकर उनके ऊपर अटैक कर सकते हैं और रैंडी ऑर्टन को भी अटैक कर सकते हैं और इस वजह से वो जो है मैच हार सकते हैं। तो गाइस रैंडी ऑर्टन पर या फिर ड्रू मैकइंटायर के ऊपर हमला होने वाला है, रोमन रेंस इन्वेजन करेंगे, इसके बारे में आपके तौर से कमेंट में जरूर बताना। आज की वीडियो से थी, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।